धारणी मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर के अंतर पर बसे धूलघाट रेलवे वन्यजीव विभाग, जो कि विशेष पर्यावरण एवं सौंदर्य सुंदरता को लेकर पहचाना जाता है, लेकिन अफसोस वाली बात ये भी है कि इस विभाग के वन परिक्षेत्र कार्यालय में आने जाने के नाम रास्तों की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। सालों से यह समस्या से विभाग जूझता हुआ नजर आ रहा है। विभाग के आला अधिकारी कर्मचारी सहित कामकाज के सिलसिले में आने वाले नागरिकों को नदी पार कर वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में आना जाना पड़ता है। वैसे तो नदी में सामान्य पानी रहे तो विभाग में आना जाना लगा रहता है, लेकिन यदि ज्यादा बारिश रही तो नदी पार करना किसी के भी लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जाता रहा है। संबंधित विभाग कार्यालय में आने जाने के लिए जीप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नागरिक अपने कार्य के लिए विभाग में आने जाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते देखे जाते हैं। धूलघाट रेलवे वन्यजीव विभाग के कार्यालय में बारिश और शीतकाल के समय आना जाना कठिन साबित होता है, लेकिन ग्रीष्मकाल के समय नदियां सूखी पड़ने से कार्यालय के मार्ग की ओर आना जाना आसान बताया जाता है। संबंधित विभाग बीते कई सालों से इस समस्या से जूझ रहा है। इस विभाग में वरिष्ठ अधिकारी भी कामकाज के लिए भेंट देते हैं। वर्षों से कार्यालय में आने जाने के लिए रास्ते की सुविधा नहीं होने की बात वन्यजीव विभाग के वरिष्ठ प्रशासन के ध्यान में अब तक नहीं होने को लेकर वन प्रेमियों सहित नागरिकों में आश्चर्य जताया जा रहा है। धारणी से विदर्भ न्यूज के लिए सुलेमान मेमन, तस्मीन शेख एवं जुगल किशोर जायसवाल की ये रिपोर्ट।